गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नौशिन्स किचन। आज मैं आपके साथ अप्पम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी इजी एंड डिलीशियस है, तो ज़रूर से ट्राई करें। गाइस सबसे पहले हमें 3 इंग्रेडिएंट्स को विस्क करना है। नंबर 1 रवा या फिर सूजी, नंबर 2 दही और नंबर 3 पानी। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बाउल में लेके हमें विस्क करना है। गाइस ये है कैरेट, ऑनियन और कैप्सिकम, मैंने इन तीनों को चॉप किया है। यह है ग्रीन चिल्ली और जिंजर का पेस्ट। यह है मस्टर्ड सीड्स, हिंग पाउडर और करी लीव्स। गाइस सबसे पहले हम लेंगे नॉनस्टिक पैन। गाइस मेरा तेल यहाँ गर्म हो चुका है और मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स और हिंग पाउडर। मस्टर्ड सीड्स के फूटते ही मैं डालूंगी करी लीव्स। थोड़ी देर सॉट करने के बाद मैं डालूंगी ग्रीन चिल्ली और लहसुन का पेस्ट, और उन्हें थोड़ी देर सॉट करने के बाद हम डालेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले हम डालेंगे ऑनियन। ऑनियन को हमें सॉट करते रहना है जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। ऑनियन के ट्रांसपेरेंट होते ही हम डालेंगे कैप्सिकम, फिर हमें फिर से सॉट करना है। थोड़ी देर सॉट करने के बाद हम डालेंगे कैरेट और उन्हें भी हमें सॉट करना है, और उनके सॉट होने के बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक हमारे स्वाद के अनुसार। तो अब ये सारी सब्जियां सही से भून चुकी है, तो अब हमें गैस टर्न ऑफ करके इन सारी सब्जियों को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। गाइस ये पेस्ट हमने बना के आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया था। अब आधे घंटे बाद हम इसे ढक इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थिन करेंगे। आप वीडियो में इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। अब हम डालेंगे थोड़ी सी बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो फिर आपको इस पेस्ट को 24 आवर्स के लिए ढक के रखना होगा। पेस्ट की कंसिस्टेंसी थिन करने के बाद हम डालेंगे हमारे भुने हुए वेजिटेबल्स, और उन्हें डालने के बाद हमें अच्छे से उन्हें विस्क करना है। यह है रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो आप लाल सूखी मिर्च को पीस के भी यूज़ कर सकते हो। यह है सॉल्ट और यह है ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ नोट कि ज़्यादा ऑरिगेनो यूज़ ना करें। अब ये सारे स्पाइसेस को डाल के हमें अच्छे से विस्क करना है। इसे ऐड करने के बाद कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह रहनी चाहिए। गाइस ये है अप्पम पैन। ये मार्केट में भी और ऑनलाइन साइट्स पे भी इजीली अवेलेबल है, बट आई डोंट हैव एनी पर्सनल आइडिया कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अप्पम पैन में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल फॉर ग्रीसिंग। गाइस आपको स्पूनफुल ऑफ बैटर डालना है। प्लीज़ नोट कि आप ज़्यादा न डालें वरना ये बाहर आएगा। गाइज आपको और एक चीज़ नोट करनी है कि आप सबसे पहले बाउंड्री के मोल्ड्स फिल करें और फिर बीच के मोल्ड्स फिल करें, अदरवाइज आपके बीच वाले अप्पम जल जाएंगे। एंड और एक चीज़ नोट करें कि आपको मीडियम फ्लेम पे ये सारी प्रोसेसेस करनी है। मोल्ड्स को फिल करने के बाद आपको इन्हें ढक के रख देना है।
थोड़ा सा तेल हम सारे अपम्स के ऊपर डालेंगे। हम एक मिनट के लिए ढक्के छोड़ देंगे। एक मिनट के बाद हमें सारे अपम्स को निकाल लेना है। गाइस, ये चटनी बनाने के लिए मैंने पीस के लिया है कुतमीर, फुदीना, ग्रीन चिली और ड्राई कोकोनट। गाइस, अब हमारे अपम रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंटायर वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।